Boss. एक तरफ मेरी बहन से प्यार करने का दावा करता है, दूसरी तरफ उसी की बेस्ट फ्रेंड का रेप करता है। रेप? रेप, बलात्कार, रेप। क्या बकवास है? टिंपल क्या हुआ? कैसे हुआ इसे? बता दो किसी, मेरे को याद नहीं है। बता चुकी है, स्टेटमेंट दे चुकी है, पढ़। दिल्ली से 142 किलोमीटर दूर शिव मुझे यहाँ ले आया कुरुक्षेत्र में और इसी गाड़ी में मेरे साथ बलात्कार किया। बस बस, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। सुना, एनीथिंग दैट यू से, anything that you don't say will definitely be used against you. आयुष्मान, तू जानता नहीं है? तू नहीं जानता कि रेप कितना बड़ा क्राइम है? बेल नहीं, लंबी जेल मिलेगी। इंसान होते हुए भी कुत्ते की जिंदगी जिएगा, समझा? फंसा रहा है तू मुझे आयुष्मान। ये डिंपल झूठ बोल रही है, तू जानता है? डिंपल झूठ बोल रही है? ये झूठ बोल रही है? एक इज्जतदार घर की लड़की खुद अपना नाम खराब करेगी। हां, वो तुझे यहां लेके आई, वो तुझे यहां लेके आई, तू उसे यहां नहीं लाया। इस बोतल में उसने दवा मिलाई, उसने तुझे पिलाई, उसने तुझे बेहोश किया। सुन लौंडे, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। तू इसकी फिगर में अटका, एंड द फैक्ट इज दैट यू आर अ ब्लडी रेपिस्ट, अंडरस्टैंड? चल बाहर निकल। आयुष्मान, ये तू क्या कर रहा है? अबे चल आयुष्मान, छोड़ मुझे। आयुष्मान देख, आयुष्मान ये तो तू कर रहा है ना, गलत कर रहा है। क्या कर रहा है तू? मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ, तेरी भी बजाऊंगा। देख आयुष्मान, तूने ये सब। एक मिनट, मैं क्या? तू कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि ये डिंपल मेरी सेटिंग है? ऐसा सोच रहा है तू? सही सोच रहा है तू? ये है मेरी सेटिंग, रोज रात को सोती है मेरे साथ, तो इतना तो बनता है बॉस। इस साला बॉस से याद आया। देख, तू क्या सोचता है ये सब छोड़। ये सोच कि तेरा भाई ये सब सुनेगा तो उस बेचारे पर क्या बीतेगी। कुरुक्षेत्र, बॉस की कर्मभूमि, बहुत मान सम्मान है उसका यहां। कमाल का किक मिलेगा मुझे जब एक भाई की मिट्टी पर दूसरे भाई पर की जड़ उछालूंगा। कपड़े तेरे फटेंगे, नंगा होगा वो, इसलिए तो कहते हैं मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग। तकलीफ तो जिंदगी देती है। जिंदगी में ये दूसरी बार हाथ उठाया मैंने, और दोनों बार तुम पर, और सिर्फ तुम पर। मुझे तो तभी से घबराहट होने लगी थी जब मुझे पता चला कि शिव तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। अब भुगत रहा है जेल की सलाखों के पीछे, और उसकी वजह से तुम हो, और तुम। देखिए सत्यकांत जी, उसमें इसकी कोई गलती नहीं। इसकी गलती और आपकी भी। ट्रांसपोर्ट के नाम पर क्या काम करते हो सब जानता हूं मैं। बुराई के रास्ते पर ये चल पड़ा, लेकिन हर बार रास्ता दिखाया आपने। खूनी तो ये था ही, लेकिन कातिल बनाया आपने, और यही सच्चाई है। हेलो, खुद सच्चाई से पड़े हैं और मने सच्चाई का डोज दे रहे हैं। मैं बताता हूं आज की इसने। कुछ मत बताइए। ए, तू इसे क्या बताएगा? मैं तुझे बताता हूं, तू सिर्फ एक ही चीज के लायक है, नफरत। सही कह रहे हो आप सत्यकांत जी, जो चीज जिंदगी भर मिली है मैं उसी के लायक हूं, नफरत। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कल का सूरज निकलने से पहले शिव जेल से निकल जाएगा, और अगर शिव जेल से नहीं निकला तो कल का सूरज भी नहीं निकलेगा। ये क्या किया आपने सत्यकांत जी? अपनी ही औलाद को नीचा। वो मेरी औलाद नहीं है। जिसने बाप का नहीं जुर्म का हाथ थामा है, वो मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। बस बस कीजिए सत्यकांत जी। 15 साल से
15 साल से मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उसके लिए उसका पिता, उसका भगवान आप हो। उसके सीने से दिल इतना करीब नहीं होगा जितना आपका वो लाल गमछा जिसे वो दिन रात अपने सीने से लगाए रखता है। आप उसके पिता हैं या नहीं, लेकिन वो आपका बाप है, बाप। बरसों पहले उस पाठशाला में क्या हुआ था जिसकी वजह से सूर्य की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, जानते हैं आप? नहीं जानते असलियत, आप कुछ नहीं जानते। अगर आप में सत्य सुनने की ताकत है सत्यकांत जी, तो सुनिए। जब तक तुम दोनों सुलह नहीं कर लेते, एक ही कमरे में बंद रहोगे। चलो। सत्यकांत जी, आपने सिर्फ सूर्य की गर्मी देखी है, रोशनी नहीं देखी। अरे संभालिए, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ? मैं ले चलता हूँ आपको, ले चलता हूँ आपको।